उदाहरण 13, इंद्रमणि और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम उदाहरण 13 का हल देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि इंद्रमणि और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो हमें इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कि इंद्रमणि की जो आयु है और सोहन की जो आयु है, इसे हम कितना ले सकते हैं। तो इंद्रमणि और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है हमें, का अनुपात है 4:5। इसका मतलब इंद्रमणि की जो आयु होगी वो 4 का गुणज होगी और सोहन की जो आयु होगी वो 5 का गुणज होगी। तो हम मान सकते हैं कि इंद्रमणि जो है उसकी, इंद्रमणि की वर्तमान आयु 4x ली जा सकती है, बराबर 4x वर्ष। और सोहन की वर्तमान आयु को हम मान सकते हैं 5x वर्ष। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है 8 वर्ष के बाद की आयु की बात। तो क्यों ना हम इंद्रमणि और सोहन के 8 वर्ष के बाद की आयु भी निकाल लें। तो 8 वर्ष बाद इंद्रमणि की आयु कितनी होगी, की जो आयु होगी 8 वर्ष बाद इंद्रमणि की आयु जो हो जाएगी, क्योंकि उसकी वर्तमान 4x है, तो फिर हो जाएगी वो 4x 8 वर्ष। सोहन की 8 वर्ष बाद की आयु निकाल लें। सोहन की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी, हमने देखा था कि उसकी वर्तमान आयु 5x है, तो 8 वर्ष बाद उसकी आयु होगी 5x 8 वर्ष। अब प्रश्नानुसार इनकी 8 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात है वो है 5:6। तो बिल्कुल इसे हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं कि इंद्रमणि की आयु, प्रश्नानुसार हम ले लें, इंद्रमणि की जो आयु है वो है हमारे पास 4x 8 और सोहन की जो आयु है वो है 5x 8 और इनका अनुपात किसके बराबर दिया गया है, 5/6 के। तो ये गणितीय समीकरण हमें मिल गया है। अब इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने के लिए अगला पद जो होगा 6×4x 8 बराबर 5×5x 8। कोष्टक खोल लें तो मिलेगा 6×24x + 8×48 बराबर 25x + 8×5=40। समान पदों को एक तरफ कर लें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 24x + 25x बराबर 40x + 48। चलिए आगे हल करते हैं। पिछला पद जो हमें प्राप्त हुआ था वो है 24x + 25x बराबर 40x + 48। हल करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, -x बराबर -8, यानी x का मान हमें 8 प्राप्त हुआ। अब यदि हमें x का मान 8 मिल गया है तो हम इंद्रमणि की आयु और सोहन की आयु ज्ञात कर सकते हैं। इंद्रमणि की आयु हमने कितनी ली थी, इंद्रमणि की वर्तमान आयु जो ली थी, ली गई थी, माने कि वर्तमान आयु 4x वर्ष बराबर 4x वर्ष हमने माना था। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4×8 वर्ष, यानी कि 32 वर्ष। और सोहन की वर्तमान आयु बिल्कुल उसी प्रकार से हम निकालेंगे। सोहन की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, यानी कि 5×8 और इसका मान हमको मिल जाएगा 40 वर्ष।
तो इस प्रकार हमें इंद्रमणि की वर्तमान आयु मिली 32 वर्ष और सोहन की वर्तमान आयु मिली 40 वर्ष, अतः अभीष्ट हल प्राप्त हुआ। अब हम उदाहरण 13 में जो हमने हल किया है उसके उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। आइए उत्तर की जांच की तरफ बढ़ें। उत्तर की जांच, यहाँ हमें इंद्रमणि की वर्तमान आयु कितनी प्राप्त हुई थी? 32 वर्ष। इंद्रमणि की वर्तमान आयु बराबर 32 वर्ष और सोहन की वर्तमान आयु बराबर मिला हमको 40 वर्ष। तो सबसे पहले तो देख लें कि इसका अनुपात कितना आना चाहिए, 4:5। तो 32/40, मतलब आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8×5=40 और 8×4=32, 4/5। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात हो गया 4:5। इसके बाद प्रश्न में कहा गया कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:6। तो 8 वर्ष बाद इंद्रमणि की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष बाद इंद्रमणि की आयु जो कि वर्तमान में कितनी है, 32 है, वो हो जाएगी बराबर 32×8 यानी कि 40 वर्ष। चलिए आगे हम उत्तर की जांच को आगे बढ़ाते हैं और इंद्रमणि की 8 वर्ष बाद की आयु जो हमको मिली थी, इंद्रमणि की 8 वर्ष बाद की आयु कितना निकाले थे हमने, 40 वर्ष। बिल्कुल उसी प्रकार सोहन की 8 वर्ष बाद की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उसकी 40 थी, तो 40×8 यानी कि वो हो जाएगी 48 वर्ष। अब इनका अनुपात जो है वो दिया गया है कि 5:6 है, तो चेक कर लेते हैं हम भी कि 40/48 इसका अनुपात कितना मिल रहा है हमको। इंद्रमणि की जो 8 वर्ष बाद की आयु है वो 40 और सोहन के 8 वर्ष बाद की आयु 48, इसको आप हल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप इसको 8 के पहाड़े से हल कर लें तो ये हो गया 8×48, 8×5=40 यानी कि 5/6। तो ये अनुपात कितना मिला हमें, 5:6, जो कि प्रश्न में भी दिया गया है। इसका मतलब हमारे द्वारा जो प्रश्न हल किया गया और उत्तर प्राप्त किया गया वो बिल्कुल सही है।